तो इस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो 9th क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए ओ एंड डी ओ आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट एंगल ओ इक्वल टू हाफ एंगल एंगल बी प्लस एंगल सी। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स कौन कौन से, पहला तो एंगल ए और दूसरा एंगल डी, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाते हैं और इन दोनों एंगल्स के जब बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाते हैं वो एक पॉइंट ओ पर मीट कर जाते हैं। अब जब ये दोनों बाइसेक्टर्स एक पॉइंट ओ पर मीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एंगल फॉर्म हो जाता है एंगल ओ। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो एंगल बी और एंगल सी के सम के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करना प्रूव करना कहां से, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे फोर एंगल्स को अगर हम लोग प्लस कर दें तो सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यही चीज हम लोग देखो यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होना चाहिए, इन सबका सम 360 डिग्री के। ठीक है, अब हम लोग अगर प्रूफ की कंडीशन पर आए तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल बी है यहाँ पर और एंगल सी है, कौन से दो एंगल्स नहीं है, देखो एंगल ए का जिक्र नहीं है और एंगल डी का जिक्र नहीं है। तो कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहां पे कि हम लोगों को कुछ एक एंगल्स ना दिखाई दे रहे हो या कुछ एक वेरिएबल्स हम लोगों को फाइनली प्रूफ की कंडीशन में ना दिखे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन वेरिएबल्स की वैल्यूज पहले निकालते हैं जिन वेरिएबल्स की हम लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोगों को जरूरत नहीं है कहने का मतलब फाइनली लास्ट में जिनकी जरूरत हम लोगों को नहीं होगी उनकी वैल्यू हम लोग फाइंड करें। तो हम लोग प्रूफ की कंडीशन में देखें तो एंगल बी चाहिए, सी चाहिए, कौन नहीं चाहिए, एंगल ए और एंगल डी हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इन्हीं की वैल्यू हम लोग पहला निकालें। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज के एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल होगा किसके, 360, इन दोनों को ट्रांसपोज कर दो, माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक बार फिर से अगर हम लोग प्रूफ की कंडीशन देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एंगल ओ दिखता है और एंगल ओ कहाँ पर मिलेगा हम लोगों को, देखिए एंगल ओ मिलता है हम लोगों को इस ट्राइंगल में, मतलब एंगल ओ तक पहुंचने के लिए हम लोगों को इस ट्राइंगल में आना पड़ेगा। अब जब हम लोग इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो भाई इस ट्राइंगल के अगर हम लोग एंगल्स देखें तो देखो पहला तो एंगल ये है, इसको आसानी के लिए क्या देते हैं एंगल 1, दूसरा एंगल देखो ये वाला है इसको हम लोग नेम दे देते हैं एंगल 2 और इसको ओ ही कह देते हैं। तो भाई अगर इस ट्राइंगल में हम लोग आए तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, इसी इसको और लिखें हम लोग। सो नाउ इन ट्राइंगल ए ओ डी, जब ए ओ डी ट्राइंगल में हम लोग तीनों एंगल्स को देखें तो एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल ओ है, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। ठीक है, अब हम लोग देखिए एंगल 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, एंगल 1 देखो ये वाला एंगल है और डी ओ क्या है, एंगल डी का बाई सेक्टर, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एंगल का बाई सेक्टर उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, हर एक पार्ट पूरे का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, इसका मतलब हर एक पार्ट की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पूरे का आधा यानी कि हाफ एंगल डी रखा जा सकता है, किसके प्लेस पर, एंगल 1 के प्लेस पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया हाफ एंगल डी, बिल्कुल इसी तरीके से एंगल 2 की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो ए ओ बी क्या है, बाई सेक्टर है किसका, एंगल ए का, तो ये एंगल पूरे का क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में हाफ कॉमन है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, आई थिंक कोई डाउट नहीं आता। अब हम लोगों के पास में देखो एंगल ए प्लस एंगल डी की तो वैल्यू है ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस डी की जगह पर रख सकते हैं ये वैल्यू, चलिए रख देते हैं, तो हाफ तो हम लोगों ने एज इट इज रखा। ठीक है,
और एंगल ई प्लस एंगल डी की जगह पे क्या रख रहा है 360 माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, साथ में क्या है प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हाफ ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स को ये क्या करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है तो चलिए कर दीजिए हाफ का मल्टीप्लाई। हाफ का मल्टीप्लाई 360 में करेंगे तो क्या मिलेगा 180, हाफ का मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाएगा तो हाफ एंगल बी बन जाएगा और इसके साथ करेंगे तो हाफ एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी इक्वल के इधर उधर अगर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो भाई इक्वल यहाँ पर है इधर इधर साइड में 180, इस साइड में भी 180 है, सो 180 से 180 कैंसिल हो गया। हम लोगों को अकेला एक साइड में क्या चाहिए एंगल ओ चाहिए, प्रूफ की कंडीशन दिख रही है हम लोगों को, तो इसको तो यही रोको और इन दोनों टर्म्स को कर दें ट्रांसपोज। सो दिस इंप्लाइज के एंगल ओ इक्वल टू, जब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं ट्रांसपोज कर ही जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी, हाफ कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहा एंगल बी प्लस एंगल सी, तो किसकी वैल्यू निकाल दी एंगल ओ की। और देखिए यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है कि एंगल ओ का मेजरमेंट किसके बराबर है हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ इतने क्वेश्चन इतने कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।